महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर कला डीएलएल वर्चुअल क्लास में जिनको संस्कृत में कार्यकार कविता है सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको कारक प्रकरण में करण। कल कारण में पढ़ाए थे कर्म कर्म, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं करण। प्रिय बच्चों, पहले जो करण क्या है, करण का अर्थ है सहायक। इसका सूत्र है साधक तमन करणम। साधक धन, तमन धन करणम। तमन एक प्रत्यय होता है जो सबसे ज्यादा का अर्थ देता है, सबसे ज्यादा। साधक मतलब होता है सहायक और तमन का मतलब होता है सबसे ज्यादा। क्रिया की सिद्धि में कर्ता का जो सबसे ज्यादा सहायक होगा वह करण होगा। फिर से आप लोग जान लीजिए कि कर्ता का क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होगा, जो भी वस्तु सबसे ज्यादा सहायक होगा वह करण होगा। अब अगला सूत्र है कर्ति करणयोर तृतीया, कर्ता और करण में तृतीया विभक्त लगता है। जैसे मैं मुख से बोलता हूं, अब बोलने की क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक मुख है, इसलिए मुख में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूं। अगला उदाहरण है बालक, जब से स्नान करता है, स्नान करने में बालक का सबसे ज्यादा सहायक जल है, इसलिए जल में कर की करणयोर तृतीया से तृतीया विभक्त हो जाएगा। तो बालक जले स्नान करोति। जैसे अगला उदाहरण है सीता नासिका से पुष्प सूंघती, तो नासिका जो है उसका उसमें तृतीया विभक्त कर जाएगा। सीता नासिकया पुष्पम जिघ्रति। ऐसे जैसे किसान हल से खेत जोतता है, किसान रूपी कर्ता जोतने रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा सहायक उनका हल है, इसलिए हल का साधक तमन करण से करण संज्ञा हुआ और कर्म करणयोर तृतीया से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होकर के कृषक हले क्षेत्र कर्षक।